जहां पूरे देश में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां चल रही हैं, वहीं मथुरा जनपद में होने वाले आगामी पर्व जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम द्वारा जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया और किस तरह से आयोजन को भव्य बनाया जाए इसको लेकर मंथन किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जन्माष्टमी पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और इसे भव्य रूप देने के लिए आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान की पंडाल में 3 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा चौराहों की राहों पर रंग बिरंगी लाइटिंग व्यवस्था करवाई जाएगी, जिससे कि जन्माष्टमी के समय सुंदरता निखर कर आ सके। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की घड़ी पर पूरे ब्रज में एक साथ शंखनाद होगा। सभी 8000 मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाएगा। कान्हा के शहर में हर प्रवेश द्वार पर दूर दराज से आने वाले भक्तों का स्वागत भी होगा। पुष्प वर्षा कराने की तैयारी भी सरकार कर रही है। सभी तीर्थों पर राधे राधे की धूम रहेगी। बैठक में अधिकारियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर निर्देशित किया। मंदिर में किए जा रहे कार्यक्रम को लाइव दिखाने को कैमरों की समुचित व्यवस्था करें और एक या दो स्क्रीन बोर्ड बाहर भी लगवाएं, जिससे कि बाहर बैठे श्रद्धालुओं को भी भगवान के दर्शन हो सके। सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित सभी कार्य शीघ्रता से पूर्ण करा लें। कार्यक्रम सुचारू और व्यवस्थित रूप से होना चाहिए। देखिए, जन्माष्टमी को लेकर पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर तैयारियाँ चल रही हैं। उसी क्रम में आज जो रामलीला मैदान यहाँ पर जहाँ मुख्य कार्यक्रम होंगे उसका निरीक्षण हमारे द्वारा किया जा रहा है और जो रूट प्लान है तीर्थ यात्रियों के लिए उस रूट प्लान का पूरा अध्ययन किया जा रहा है। उसमें जहाँ जहाँ मरम्मत के कार्य होने हैं, जहाँ नवीन सड़कें बननी है, वो पूरा निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। काम भी बहुत जल्दी शुरू किया है हमारा। और इसके अतिरिक्त शहर में कहाँ कहाँ पे व्यवस्थाएं होंगी, पांडा लगेंगे, उन सब चीज़ों को लेकर तैयारी करेंगे। थैंक यू। देखिए, ये 23-24 को जो कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है उसकी तैयारी बैठक की समीक्षा को लेकर के हम लोगों ने सभी संबंधित विभागों को, पुलिस अधिकारियों को, मजिस्ट्रेट्स को, नगर निगम, बिजली विभाग और जो आपके जितने भी विभाग संबंधित हैं उनके साथ हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखी थी ताकि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम लोग आने वाले श्रद्धालुओं को और तीर्थयात्रियों को दे सकें। ये निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी बार जन्मोत्सव मनाया जा रहा है अन्य बार, पिछली बार जो मनाए गए उससे ज़्यादा भव्य होगा। रामलीला मैदान में एक पंडाल भव्य बन रहा है जिसमें 3 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, चौराहे सजाए जाएंगे जिसमें ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग, संस्कृत विभाग सभी लोग मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ हम लोग इस उत्सव को मनाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।